दोस्तों ये दुनिया का सबसे अच्छा चावल है, ये काला नमक चावल है। इसकी विशेषता जो है वो पौराणिक भी है और वैज्ञानिक भी है। पौराणिक विशेषता ये है इस धान की, इस चावल की, कि एक बार भगवान बुद्ध सिद्धार्थ नगर से वापसी कर रहे थे, उनको रास्ते में कुछ किसान रोकते हैं। किसान रोक के कहते हैं कि अब तो आप यहाँ से वापस जा रहे हैं, हमें कुछ दे कर जाइए। तो वो अपने थैले में से कुछ धान उठा कर देते हैं और वो धान रहता है काला नमक का, और ये धान किसानों को देता है और उनसे वो कहते हैं कि इसको किसी तराई वाले जगह पर, किसी दलदली जगह पर जाके इसको बो देना, और बोने के बाद जब इसको तुम दोबारा इसकी खीर बनाओगे, इसके चावल की, तो इसकी खुशबू जो है वो तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। इसकी वैज्ञानिक विशेषताएं भी हैं। विज्ञान कहता है कि ये चावल खाने से कैंसर नहीं होता है। विज्ञान कहता है इस चावल में फैट नहीं होता है, इसलिए मधुमेह के रोगी यानी शुगर के रोगी इसे आराम से खा सकते हैं। विज्ञान कहता है इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत है। विज्ञान ये भी कहता है कि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक हो सकता है। हम इस समय गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में रामचेत चौधरी जी के घर हैं। रामचेत चौधरी जी को पद्मश्री अवार्ड इस साल दिया जाना है, वो भी काला नमक की खेती करने के लिए। 22 सालों से वो ये काम कर रहे हैं, इसमें नई नई उन्नत किस्म की बीजें लाए हैं, और जो सैद्धांतिक किसानी थी, जो भगवान बुद्ध के जमाने से चली आ रही थी, इस काला नमक को रोकने में, स्थाई करने में, और सिद्धार्थ नगर के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उनका बड़ा हाथ है। हमारे साथ आज अशोक कुमार श्रीवास्तव हैं। रामचेत चौधरी जी आज लखनऊ चले गए, उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, और हम उनका इंटरव्यू आपको अगले सेशन में दिखाएंगे। लेकिन आज इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ इस चावल के बारे में जो मैं आपको नहीं बताया हूँ। सर पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है। सर इस चावल के बारे में पहले हमें बताइए। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चावल है। सर्वश्रेष्ठ चावल इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, वो अन्य चावल से कई गुना अधिक है। अब ऐसे मान लीजिए कि जस्ता इसमें जो और चावल होते हैं उनसे 6-7 गुना अधिक है। जस्ता जो कोरोना के समय रोग प्रतिरोधक के लिए जस्ता लोग खाते थे, जिंक। हाँ, जिंक वो इसमें अन्य चावल की अपेक्षा 6-7 गुना अधिक है। नहीं, इसमें जिंक जो है अन्य चावलों के अपेक्षा 6-7 गुना अधिक है। हाँ। साथ में इसमें यही एक चावल है दुनिया में जिसमें विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन ए भी। इसलिए इस चावल को जब आप कुटाते हैं, इसका जो हस्क है वो हटाते हैं, ब्रांड रहने देते हैं, तो यही एक चावल है जो हरा भी दिखता है। और कोई ऐसा चावल नहीं होगा जिसका हस्क हटाने के बाद हरा दिखे, वो सफ़ेद दिखेगा या ब्राउन लेके दिखेगा। तो इसमें विटामिन ए भी मिलता है जो अन्य किसी चावल में नहीं पाया जाता है। और साथ में इसके जो प्रोटीन है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब तो अन्य चावल की अपेक्षा 2-3 गुना 4 गुना अधिक है। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चावल है। साथ में स्वाद में भी ये जो है अन्य चावल की अपेक्षा काफ़ी जो है मुलायमपन में है। इसमें इतना मुलायमपन होता है कि आपके साथ कुछ भी घर में नहीं है, दाल और सब्जी भी आप नहीं बन पाया है, तो इसको आप चटनी के साथ भी खाएंगे तो अन्य चावल से ज़्यादा इस चावल को खा जाएंगे। इसको खाने में भी महसूस होता है कि जैसे घी में डाल के बनाया गया है, इतना मुलायम होता है। तो महक तो महक जब बनता है तो 2-3 घर भी महकता है। साथ में सरकार ने इस धान को ODOP में भी लिया है, और ODOP में 11 जिला को लिया है। सिद्धार्थ नगर तो उद्गम स्थान है ही है इस चावल का, इस धान का। लेकिन इसके अलावा देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मंडल और जो है बस्ती मंडल, इन तीन मंडलों को मिला के 11 जिलों को ODOP में शामिल किया हुआ है। और इसको लेकर सरकार काफ़ी काम भी अपनी कर रही है। हमारी संस्था तो 22 साल से इस पर काम कर रही थी। आगे आते रहे। स्थिति ये है कि 22 साल पहले जो था स्थिति, हमारे सिद्धार्थ नगर जो इसका उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस है, वहाँ पे 2000 हेक्टेयर में खेती होता था। और जो हमारी संस्था उस समय ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत ही बीज थे, तो उस समय हमारी संस्था लगी, हमारे सर लगे डॉक्टर RC चौधरी सर, और उन्होंने आज तक 4 वैरायटी रिलीज कराया, नोटिफाइड कराया, सर्टिफाइड कराया, और लेटेस्ट वैरायटी हमारी जो काला नमक किरण है वो इस समय पूरी किसान को अडॉप्ट कर रहे हैं। आज 80,000 हेक्टेयर में सिद्धार्थ नगर में खेती हो रही है इसकी, काला नमक की खेती हो रही है, काला नमक की, जो कि आज के 20 साल पहले 2000 हेक्टेयर में सिमट गई थी। उसका कारण था कि न शुद्ध बीज थे, परंपरागत बीज थे जिसमें दोष
घुस चुके थे, दूषित हो चुका था, साथ में पैदावार बहुत कम था, फसल का जो है लंबाई भी बहुत ज्यादा थी। इन सब से जो है किसान मार्केट नहीं कोई था, पैदावार भी कम था, मार्केट भी बहुत कम हो गया था, जिससे किसान छोड़ दिए थे। लेकिन जब हमने अपना बौना काला नमक किरण लाया तो उसमें जो है पौधा छोटा हुआ, गिरने से रुका, साथ में महक और गुणवत्ता वही रहा जो परंपरागत बीज के चावल में था, और इसके अलावा पैदावार भी एक एकड़ में 18 से 20 कुंटल हुआ। तो ये सब मिला के धीरे धीरे 80,000 कुंटल तक, 80,000 हेक्टेयर तक खेती इस समय सिद्धार्थ नगर में ही हो रही है। ये मैं आपको बता दूं, ये सिद्धार्थ नगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसके साथ 11 जिले और जुड़े हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर देख रहे हैं, वो हो सकता है काला नमक ना खाए हों। तो अगर आप काला नमक नहीं खाए हों, आप उनको किसान को आप देखिए कि वो कितनी मेहनत से इसको सजो रहे हैं, बना रहे हैं। तो अगर आप कभी भी काला नमक चावल नहीं खाए हैं तो एक बार उसको खरीद के खाइएगा, क्योंकि अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूं, दंत कथाएं हैं इसके पीछे कि हर बातें ये कही जाती हैं कि दुनिया में वो सारी चीजें खराब होती हैं, स्वाद में कड़वी होती हैं, जैसे नीम है, बबूल है ये, लेकिन फायदे बहुत देते हैं। दुनिया में एकमात्र एक ऐसी चीज यहां पर उपलब्ध है, काला नमक चावल होती है, जो सैद्धांतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से और पौराणिक रूप से स्वादिष्ट भी है और अच्छी भी है। आप देखते होंगे नीम के गुण बहुत ज्यादा हैं, लेकिन नीम कड़वा होता है। पिज्जा अच्छा बड़ा लगता है, लेकिन उससे तमाम दिक्कतें हो जाती। तो ये वो चावल है, काला नमक चावल है, बाहर से देख रहे होंगे तो इसको कभी एक बार मंगा के खाइएगा, शानदार होता है। और उत्तर प्रदेश के होंगे तो आप कहीं ना कहीं एक ना एक बार इस चावल को जरूर खाए होंगे। फिलहाल ये काला नमक की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।